मनीषा झा हाजिर हूँ लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। दिल्ली में गर्मी अपने चरम सीमा पर है और दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की जोरदार किल्लत होने वाली है। एक तरफ तो दिल्ली कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत लोगों को रुलाने वाली है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। मैं तो ये कहूँ दिल्ली सरकार को पानी के पे ध्यान देना चाहिए, मेन जरूरी है आजकल, क्योंकि गर्मी वैसे ही हो रही है। और जो लोगों को फ्री सेवा कर रहे हो, फ्री सेवा में से काम हो, क्योंकि लोग बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि मतलब कम से कम आप मिनिमम चार्ज ले लो, चाहे 100 ले लो, 50 ले लो, जो भी है, लेकिन कुछ से कुछ आप लेना चाहिए आपको। और ऐसे में लोग क्या है कि फ्री के चक्कर में चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, लोग मिसयूज ज़्यादा करते हैं। मिसयूज ना हो इसलिए कम से कम उससे लोगों का मतलब जो रोज़गार है उनका, जल बोर्ड है या DTC है, कोई भी चीज़ है, घाटे में चल रही है, तो इससे क्या कि मतलब जो रोज़गार के बढ़ना चाहिए। अब ऐसे में मतलब आप मतलब फ्री ना करो उनको तो रोज़गार ही मिलेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कम से कम फ्री स्कीम बजाय आप कुछ कम कर दो, जो गरीब है ठीक है उनको मिनिमम चार्ज ले लो, 50-100 लो, कुछ भी ले लो, जिससे कि आपका भी मतलब दफ्तर चलता रहे, रोज़गार भी बढ़ता रहे। मैम ये जो किल्लत है पानी की, इसकी रिपोर्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ ने और बहुत सारी जो अलग अलग रिपोर्टें बनाते हैं उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था आज से 5 साल पहले की दिक्कत होगी। जैसा आप देख सकते हैं अभी पीछे शिमला में भी दिक्कत हुई है और दिल्ली के बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी पानी नहीं आता प्रॉपरली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी है बट उसको चैनलाइजेशन करना और उसको स्टोर करना हमें नहीं आता, विच इज़ आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता हमारी गवर्नमेंट क्यों वो स्टेप्स नहीं लेती। बड़े बेसिक से स्टेप्स हैं, आप बच्चों को एजुकेट करिए, चीज़ों को एजुकेट करिए, लोगों को एजुकेट करिए, पहली चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए कि जो बारिश का पानी आता है वो हम स्टोर करें। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए जहाँ पे हम जो भी हमारा पानी वेस्ट हो रहा है उसको यूटिलाइज कर लें। तीन ही चीज़ें हो सकती है, फंडामेंटल्स पे काम करेंगे तो हो जाएगा, बट करते नहीं है। गवर्नमेंट में कहेंगे कि हम आप इस पे एक्शन लो, आपने बहुत सारे वादे किए थे तो उसको आपको सोचना चाहिए कि आपने हर 5 साल में क्या कहते हो, तो उसके ऊपर में आप देखो, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। गवर्नमेंट को तो हम यही कहेंगे, पब्लिक काफ़ी परेशान हो रही है। नहीं, हमारे केजरीवाल साहब से अनुरोध ये है कि ये पानी की जो किल्लत है गर्मी में हर साल होती है, लेकिन इनको मैनेज करना चाहिए अपने तरीके से, टैंकर वगैरह जो भी है या पानी की व्यवस्था जो है इनको सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को देख रेख यही करते हैं केजरीवाल साहब। तो कभी कौन सा TV पर मैंने देखा था, न्यूज़ चैनल में कल या परसों दिखाए थे, पानी की किल्लत जहांगीरपुरी वगैरह इलाके में हो रहा है, तो उसमें केजरीवाल साहब ने बोले कि ये हमारे इलाके में नहीं आता है, यहाँ पर NDMC किसका है, वो BJP के अंडर में है। तो ये सब पार्टी पॉलिटिक्स जो है नहीं होना चाहिए, आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। तो दिल्ली के लोग कोरोना महामारी से तो पहले ही परेशान थे, अब पानी की कमी उन्हें और सताने वाली है। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को इस व्यवस्था में सुधार लाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN News दिल्ली।